सभी भैयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म, किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान से आमिर पठान, मैं आपको दिखा रहा हूँ रडार सिंगो वाली भावनगर ब्लड लाइन की गौ माता, जिसकी डिलीवरी रात को ही है। बहुत ही खूबसूरत फीमेल काफ को जन्म दिया है मेरी इस साल की सबसे प्योर बेस्ट गौ माता, जो कि ब्लड लाइन से है। ठीक है, जो कि ब्लड लाइन से है। हम लोग जो व्यापारी होते हैं वो ब्लड लाइन वाली गाय बहुत ही कम परचेज करते हैं, क्योंकि हैवी बजट में हो जाती है, हर कोई आदमी परचेज नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट गोंडलियों की बेटी है भावनगर ब्लड लाइन की। इसकी माँ खेड़ू के पास है और ये सीमन से पैदा हुई है गोंडलियों के। ठीक है, गोंडलियों एक ऐसा सीमन था, एक ऐसा बुल था जिसकी ब्राज़ील तक में डिमांड थी गोंडलियों की। ठीक है, तो ये गोंडलियों की बेटी है और जब ये रात को डिलीवरी हुई थी तो मैंने रात को ही इसका वीडियो लाइव डाल दिया था। उसके बाद कुछ समझदार लोगों ने इसको फोर्थ लैक्टेशन की भी बताया, कुछ समझदार लोगों ने थर्ड लैक्टेशन की भी बताया, जबकि जो गिर में जानते हैं और जो रियलिटी जानते हैं उनको पता है कि ये कौन से लैक्टेशन की गाय है। थर्ड लैक्टेशन में गाय के चेहरे पर बुढ़ापा अलग ही आ जाता है। ठीक है, और थर्ड लैक्टेशन की गाय के चेहरे की और थन की बनावट ही अलग हो जाती है, पर हर आदमी से मैं बहस नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बोला, जबकि पहला फ़ोन उन्हीं का आया था मेरे पास, मैंने उनको बोला कि जो आपको समझना है थर्ड फोर्थ फाइव जो आप समझो, पर मैं वही बताऊंगा जो गाय की एज है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार गोमाता है। इसका बाप भावनगर ब्लड लाइन का जो के बहुत ही फेमस बुल है, जिसके एम्ब्रियो, जिसका सीमन, जिसके बच्चे ब्राज़ील तक ने पैदा किए हैं गोंडलियो। ठीक है, और बहुत ही शानदार गोमाता, बहुत ही शान स्वभाव की गोमाता है। ठीक है, और प्योरिटी के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, इसकी छोटी छोटी आँखें और आप देख सकते हैं कितना शानदार कान है। ठीक है, और इसकी एडर की क्वालिटी टॉप है, देखो आप। और दूध की क्षमता हैवी, दूध की क्षमता है। ठीक है, और नीचे जो फीमेल काफ है उसके भी कान देख सकते हैं आप, कितने शानदार फीमेल काफ है। ठीक है, देखो आप इसकी प्योरिटी, मेरे हिसाब से मेरे साल की सबसे बेस्ट गोमाता है ये। और वैसे भी गोंडलियों की जो सींग, जो प्योरिटी आती है ना, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और ब्रिड से। इसकी नाभि का साइज और इसकी गल कंबल, और ये देखो हाइट में ज़्यादा है, तो गाय को मैं पूरी नहीं ले पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और दूर बैठ के पूरी गाय को कवर कर सकूँ। ये फेस है ना, ये फेस आप 10 लाख की गाय ले लो और चाहे बड़े बड़े ब्रीडर से ले लो, ये फेस नहीं आएगा भैया। ये जो क्वालिटी है ना, ये जो सर है, ये नहीं आएगा। इसका कान देखो आप, कम से कम 4-5 इंची अपने फेस से आगे की ओर है, देखो आप। ठीक है, हम्प का साइज देखो आप, सींगों का साइज देखो, और आने वाले टाइम में इसके फादर की तरह सींग ऊपर चला जाएगा गोंडलियों की तरह, और नीचे से गांठ लगा लो, इतने बड़े सींग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्योरिटी, ये है कैरेक्टर्स ब्रीड के। और इतनी गजब की फीमेल काफ, जमीन को टच करती हुई पूछ और पुट्ठा बिल्कुल चौड़ा, मुर्रा भैंस की तरह पुट्ठा देख सकते हैं आप। मेरे को इस बात का गर्व है, गाय तो रोज आती है, रोज बेचते हैं, हर व्यापारी बेचते हैं। ठीक है, और मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम ब्लड लाइन की गायें नहीं लाते, जो भी हम राजस्थान के व्यापारी हैं ब्लड लाइन की गायें नहीं लाते, ये तो भगवान ने मेरे को दी है, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। ठीक है, जबकि हम ब्लड लाइन का काम बहुत ही कम करते हैं, और अभी मैं ब्लड लाइन का बुल लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये जो हिल रही है ना, ये मुर्गी के बच्चों पे हिल रही है, मेरे पे नहीं हिल रही है, बिल्कुल शान स्वभाव की गोमाता है। ठीक है, और गुजरात की गाय वैसे भी नहीं मारती है। ठीक है, और आउट जंगल की गाय नहीं है गुजरात की, होते हुए भी गुजरात की बहुत सी गायें होती जो खाती नहीं है, पीती नहीं है, चरती नहीं है, ले जाने वाले को परेशान कर देती है, तो वो वाला सिस्टम इस गाय में नहीं आएगा, क्योंकि ये खेड़ू की गाय है, जंगल की गाय है। ठीक है, इसके पैरों का लेवल आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा राजस्थान की गाय की तरह। ठीक है, और मैं आपको इस बात को मैंने रात को भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी ब्रीडिंग की गायें कम कर दी है, मेरे फार्म की जो गायें थी वो मेरे मिलने वाले कस्टमर ज़बरदस्ती ले गए, तो मेरे को ब्रीडिंग के लिए गायें भी चाहिए, तो हो सकता है मैं इसको ब्रीडिंग के लिए रख दूं, क्योंकि मैं जितने पैसे दे के आया हूँ कस्टमर नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
लेकिन पहले अपनी डेयरी का जो नियम है, आज के 10 साल पुराना वीडियो भी उठा के देख लोगे तो उसमें अपनी एक ही बात है, पहले कोई भी गाय आए वो कस्टमर के लिए। मेरी चूमर को भी मैंने सेल पे रखा है, मेरी धन्ना को भी मैंने सेल पे रखा था जब लाया था, जब नहीं बिकी तो अपने घर पे रखी। मैंने अपनी लापड़ को भी, मेरी अपनी गोमती को भी, मेरी अपनी सुल्तान की मदर को भी, जितनी भी गायें मैंने घर पे रखी है, पहले सारी गायें सेल पे रखी थी, जब नहीं बिकती है तो अपने घर पे ब्रीडिंग के लिए रखता हूँ। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि आप अच्छी गाय, अच्छा बुल और अच्छी चीज़ आप घर पे रख लेते हो, तो वो वाली बात भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और मैं किसी भी व्यापारी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको 1000 वीडियो देखोगे ना तब ऐसी गोमाता देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आजकल का क्या हो गया, पहले जब मैं गाय बेचता था तो डायरेक्ट कस्टमर मेरे से मिलता था, आजकल जो मार्केट चल रहा है ना, तो ये मानो आपके मार्केट को सस्ती गाय दिखाई जा रही है, वो सस्ती गाय वो ले जाते हैं, फिर बाद में ठगी होने के बाद अपने पास आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आज बता दूं आपको, 60,000 रुपये तोला का भाव सोने का चल रहा है और आपको कोई 30,000 में दे रहा है, तो उसमें कुछ तो रीज़न होगा ना, उस गाय में कुछ तो कमी होगी, उस सोने में कुछ कमी होगी, कुछ खोट होगी या बेचने वाले में खोट होगी, इसलिए वो सस्ता बिक रहा है, ठीक है। महंगी गाय और सोना, असली सोना, उसको चाहे आप हरियाणा में बेचो, पंजाब में बेचो, चाहे दिल्ली में बेचो, उसकी रेट असली सोने की असली वाली रहेगी, ठीक है। बाकी लोग बाग देखते हैं कि यार वो सस्ती दे रहा है, अरे वो सस्ती नहीं दे रहा, वो आपको गिर का जो आपका प्रेम है, जो आप गिर रखना चाहते हैं, वो आपके शौक को ख़त्म कर देगा, ठीक है। मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं, भैया हमने वहाँ से गाय ली थी वो अब खा नहीं रही है, भैया हमने वहाँ से गाय ली थी वो दूध नहीं दे रही है, भैया हमने वहाँ से गाय ली थी वो प्रेग्नेंट नहीं रुक रही है, भैया हमें प्रेग्नेंट बता की थी वो खाली निकल गई, ठीक है। तो आज मैं आपको भी 2011 से मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना एक ही लक्ष्य है कि जब भी गाय लाता हूँ ब्रीड वाली लाता हूँ, हल्की गाय नहीं बेचता। और हल्की गाय के लिए इतने सारे लोग हैं ना, मुझे क्यों कॉल करते हो आप, इतने सारे लोग हैं हल्की गाय बेचने वाले, उनसे ले जाया करो, जब हल्की गाय के ठगी जाओ उसके बाद ओरिजिनल गाय लेनी है तो आया करो, ठीक है। और 99% लोगों के मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरे कस्टमर हैं उनकी डिमांड पूरी हो जाए तो वो पहला अपना लक्ष्य उसी को मानता हूँ, ठीक है। और आप चैनल जाके चेक कर लेना, बहुत ही कम गाय जो होती है वो मैं कम प्योरिटी वाली लाता हूँ, वो भी कोई ज़्यादा डिमांड आ जाती है कस्टमर की। इसकी मिल्क वैन देखो आप, मिल्क वैन देखो, और मैं इतना श्योर हूँ कि इस गाय को ख़रीदने के लिए वापस गुजरात से भी फ़ोन आएंगे मेरे पास, क्योंकि इसकी, इस सींग की, इस चीज़ की डिमांड गुजरात में बहुत है, बहुत डिमांड है इस सींग की, ठीक है। अब आपको जो मानना है, मैं लाइव के ऊपर बोल रहा हूँ, वीडियो पे बोल रहा हूँ, आप इसको 4th लैक्टिशन मानो, आप इसको 5th लैक्टिशन मानो, 3rd मानो, आपकी मर्जी। गाय 2nd लैक्टिशन ब्याई है, कान में टेक लगा हुआ है, उम्र वगैरह जो लेगा उसको कंफर्म करा के दूंगा। दूध की कैपेसिटी 20 लीटर रहेगी और इतनी इजी मिल्किंग रहेगी कि आप लेडीज़ से या छोटे 5 साल के बच्चे से भी दूध निकला लेना, इतनी इजी मिल्किंग रहेगी। एडर की क्वालिटी टॉप फिटिंग वाली है, कबरी गोमाता है, गला कबरा है और पूरी नाभि वगैरह सफ़ेद थन है, जो आपको भावनगर ब्लड लाइन के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये सींग, ये थन, ये गलकंबल और ये नाभि, ठीक है। दूध की कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ कि ये खेड़ू की गाय है, पटेल की गाय है, तो पटेल की जो गायें होती हैं वो दूध वाली आती है, भावनगर की जो गायें आती है वो प्योरिटी वाली आती है। जो इसमें प्योरिटी आई है, जो इसका सर आया है, वो गोंडलियों की वजह से आया है, और जो मिल्क कैपेसिटी आई है वो पटेल की खेड़ू की गाय होने की वजह से आई है, ठीक है। तो एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि गाय या तो बेचूंगा तो अच्छे बजट में बेचूंगा, नहीं तो अपने ब्रीडिंग के लिए रख लूँगा, नीचे फीमेल काफ है, ठीक है। गाय 2nd लैक्टिशन की भी है, कुछ लोगों को लिख के भी दे देंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, गाय 2nd लैक्टिशन की है और मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करके, डिमांड करके लाया हूँ, ठीक है। देखो आप कान, देखो आप प्योरिटी, गाय आपको पसंद आए स्क्रीनशॉट भेज देना, फ़ोन करने से ज़्यादा आपको जवाब स्क्रीनशॉट का तुरंत मिलेगा, ठीक है। दूध की कैपेसिटी, थनों में कोई मिस्टेक, पेड़ नहीं बंधवाए, दूध नहीं निकला है, और कोई भी कंप्लेंट हो प्योरिटी के अकॉर्डिंग या ब्लड लाइन कन्फर्म करना हो तो किसी भी तरीके की बात करनी हो फ़ोन पे कर लेना। और कीमत जानना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग कीमत सुन के पीछे हट जाएंगे, तो जो कीमत
केवल पहले कीमत सुनना चाहते हैं, वो स्क्रीनशॉट भेजना, व्हाट्सएप पे आपको कीमत मिल जाएगी। उसके बाद कोई दूसरी डिटेल आप जानना चाहते हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना। देखो आप पेओटी, हाइट, गलकंबल, पतली चमड़ी, चमक, फीमेल काफ के कान, ठीक है, बच्ची थोड़ी सी इसलिए कमज़ोर है कि गाय सफ़र करके आई है, बाकी इस बच्ची में भी कोई दिक्कत आए तो आपके घर तक की मेरी गारंटी, ठीक है। देखो आप क्या खूबसूरती है गाय की। वैसे मैं इतना लंबा वीडियो आजकल बनाता नहीं हूँ, पर गाय मुझे पसंद है, इसके कान, इसकी बच्ची, इसकी प्योरिटी, कैरेक्टर्स। ये देखो अभी भी मुर्गी के बच्चों को ही देख रही है इधर, बच्चे खुद के बच्चे को छोड़ के। तो क्या मुर्गी वगैरह इसलिए रख रखी है कि थोड़ा सा क्या है कि आराम से, मतलब जो वो लगते हैं जानवर वगैरह तो उनको खा जाते हैं, तो गाय को चीचड़ वगैरह नहीं लगते। ऊपर ही लेके चलो, ऊपर ही। देखो आप पेओटी, थनों में गैप, थनों का साइज़, एडर की क्वालिटी, मिल्क वैन की मोटाई, सब देखो आप, ठीक है। गर्दन की लंबाई, गल कंबल कितना हेवी है, हम्प कितना शानदार है। तो जाहिर सी बात है आप अच्छी गाय लोगे तो आपको बजट भी करना पड़ेगा एडजस्ट। यदि आपका बजट नहीं है, ये मेरी धन्ना जो गाय है उसके बराबर पेओटी मानता हूँ मैं इसकी, मेरी जो धन्ना है उसके उसकी वाली पेओटी, ओल्ड ब्रिड वाली क्वालिटी। देखो आप, मतलब आप फॉर्चूनर खड़ा करो, कितना ही बड़ा बंगला बना दो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस गाय को ले जाके आप खड़ा करोगे ना, पूछेंगे कहाँ से आई है, और फिर हमें भी सुनने में प्राउड होगा कि ये अरावली डेयरी फार्म से आई है, आप किसी को बोलोगे तो, ठीक है। चलो गाय बिकना नहीं बिकना मेरे व्यापार का, तो मेरा घर इसी चलता है व्यापार से। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपको गाय कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ लोग कमेंट करेंगे आपने प्राइस नहीं बोला, आपने सब चीज़ें बता दी, तो प्राइस मैं यूट्यूब पे नहीं बोलता हूँ, उसके लिए कोई कमेंट मत करना। लेकिन इस चीज़ के लिए कमेंट करना कि आपको गाय की प्योरिटी कैसी लगी, अपन आपके लिए क्या चीज़ें लाके दिखाते हैं। खरीदने में मैं चलो बेचूंगा इसको तो एक बंदा खरीद पाएगा, और मैं नहीं बेचूंगा तो मेरे घर पे रखूंगा, तो आप लोगों को देखने में कैसी लगी गाय, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आपको देखने में, प्योरिटी में, कैरेक्टर्स में ये गोमाता कैसी लगी। और आपके हर कमेंट की मेरी वैल्यू है, और मैं उसको आप सबको रिप्लाई करूँगा, चाहे आपने जो भी मेरे को कमेंट किया मैं सबको रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, और शायद मेरी इस साल की सबसे प्योर गाय यही रहेगी, और मालिक ने चाहा तो मालिक ऊपर वाला देने वाला है, दे सकता है कोई दूसरी गाय, लेकिन मैं जहाँ तक के अपने आप को मानता हूँ इससे प्योर गाय इस साल में नहीं आएगी। देखो आप इसकी ब्यूटी देखो, आपको सेम गोंडलियो दिखेगा इसके अंदर। बापू के यहाँ 15,000 की रेट है गोंडलियो के सीमन की, 15,000, ठीक है। देखो फेस से कितना आगे है, देखो गुजरात के गिर के जंगल की बहुत ही शानदार गोमाता दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए हमारे को गुजरात के गिर के जंगल के हम मोहताज हैं, और ऐसी गोमाताओं के हमें गुजरात की वजह से दर्शन होते हैं। तो आपको गोमाता कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना, व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से गाय लेना चाहते हैं उनको 2-3-4 बार मुझे फ़ोन लगाना ही पड़ेगा, तभी मेरी उनसे बात हो पाएगी और तभी वो मेरे से गाय ले पाएंगे। कोई अर्जेंट लेने वाले हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, सबसे कॉन्टेक्ट कर लेना। मेरे से तो वही बंदा गाय ले पाएगा जिसने ये ठान ली कि मुझे अरावली डेयरी आमिर पठान से गाय लेनी है, ठीक है। राम राम सभी भैयों को, चलते हैं, इसको बड़ी बात मत समझना, ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। और इतने कॉल आते हैं कि अटेंड नहीं हो पाते, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे